अब बात निकाय चुनाव की करते हैं। प्रदेश में होने वाले 90 नगरीय निकायों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रत्याशी आज दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच का काम किया जाएगा, जबकि 19 जनवरी तक प्रत्याशियों के पास नामांकन वापसी का समय रहेगा। 20 जनवरी को सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 28 जनवरी को सभी जगहों पर एक साथ वोटिंग होगी और फिर 31 जनवरी को चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 3 बजे तक का वो समय होगा जब नामांकन आज दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद कल नामांकन पत्रों की जांच का काम किया जाएगा, जबकि 19 जनवरी तक प्रत्याशियों के पास नामांकन वापसी का समय रहेगा। यानी कि 19 जनवरी का वो दिन होगा जब ये साफ हो जाएगा कि कहां से किसने नामांकन दाखिल किया है और मुकाबला किसके बीच होने जा रहा है, यानी कि चुनावी मैदान में कौन आमने सामने है। चलिए सीधा अजमेर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता अशोक सिंह भाटी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे, क्या तैयारी इसको लेकर यहां से नजर आ रही है अशोक? जी बिल्कुल, अजमेर नगर निगम सहित अजमेर जिले में 5 निकायों में चुनाव है जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज 10:30 बजे से 3 बजे तक नामांकन होना है, इसे लेकर 10 यहां पर रिटर्निंग अधिकारी लगाए गए हैं जो अलग अलग स्थानों पर यह कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 10:30 बजे से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे लेकर छटनी व अन्य जो दस्तावेज है उसको चेकिंग कर सभी का नामांकन लिया जाएगा। यह प्रक्रिया है अजमेर कलेक्ट्रेट में शुरू हो रही है, इसके अलावा जो है एडीए और जिला परिषद में यहां पर यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। हमारे साथ एडीएम साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? आज आखिरी दिन है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। आज नगर निकाय चुनाव का नामांकन प्राप्ति का अंतिम दिवस है और नगर निगम की जहां तक बात है, यहां 80 वार्डों के लिए चुनाव होना है और प्रत्येक 10 वार्ड के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर लगा करके कुल 8 रिटर्निंग ऑफिसर नगर निगम के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनमें जिला परिषद और एडीए में 10-10 वार्डों के नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं और इसके अलावा बाकी वार्डों के जो नॉमिनेशन है वो कलेक्ट्रेट परिसर में अलग अलग स्थानों पर 6 रिटर्निंग ऑफिसर लगा करके और ये नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से वार्ड वाइज अलग अलग व्यवस्था करने से जो अधिक संख्या में नामांकन आने की संभावना है उनको नियंत्रित और नियमित किया जा सकेगा। जिले में और भी किशनगढ़ नगर परिषद और 3 पालिकाओं में है, वहाँ पर भी व्यवस्था? नगर परिषद किशनगढ़ के लिए 2 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और अन्य जो 3 नगर पालिकाएं हैं, विजयनगर, सरवाड़ और केकड़ी, उनके लिए एक एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। क्योंकि वहाँ वार्डों की संख्या कम है, इसलिए सभी जगह माकूल व्यवस्थाएं हैं। तो जिला प्रशासन ने, निर्वाचन अधिकारियों ने यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली है। आपको बता दें कि अभी तक जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों का चयन यहाँ पर नहीं किया, घोषित नहीं किया, जिसके कारण आज जो है सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अजमेर नगर निगम की बात करें तो 80-80 वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने नामांकन दाखिल करेंगी, तो साथ ही कई निर्दलीय जो बागी होंगे या जो विरोध में हैं वो यहाँ पर आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट में यह भीड़ देखने को मिलेगी। इसी को देखते हुए कोविड-19 महामारी के चलते यहाँ पर 8 जो है रिटर्निंग अधिकारी लगाए गए हैं जो अलग अलग 10 वार्डों को जो है यहाँ पर चयन करेंगे। इसके अलावा नगर परिषद हो या फिर अलग अलग नगर पालिकाएं, तमाम स्थानों पर जो है व्यवस्थाएं पूर्ण की गई है। क्योंकि आप कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा नामांकन दाखिल करने का वो दौर, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।